हरे कृष्ण जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग ईशोपनिषद मंत्र एक पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रदा कस्य सुत धनम। और इसका अनुवाद इस प्रकार है कि हर वस्तु जो चर अचर वस्तु है, जो मूव कर रही है या जो मूव नहीं कर रही, स्थिर है, पेड़ पौधे इत्यादि, हर वस्तु जो है वो भगवान की संपत्ति है। भगवान द्वारा, भगवान उनके स्वामी हैं और भगवान ही नियंत्रक है। हर वस्तु भगवान के नियंत्रण में है पूरी तरह से। और वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्योंकि हर वस्तु के स्वामी भगवान है और भगवान ही नियंत्रण कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि जो जीव है, मनुष्य है एटलीस्ट, उसको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो वस्तु उसके निमित्त उसको मिल रही है उसको स्वीकार करे और दूसरों की संपत्ति हड़पने की कोशिश ना करे, अधिक प्रॉफिट गेन लेने की कोशिश ना करे, ये जानते हुए कि कस्य स्वित धनम, ये धन किसका है। यह धन किसका है? मतलब भगवान का धन है। आज अनुलंबित भुजौ कनका वधातो संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पन्दौ चित्रो छन्दो तमोनुदौ। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासुदेव कौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो उपनिषद है बेसिकली ये वेदों का हिस्सा है और श्रील प्रभुपाद इसकी भूमिका में बता रहे हैं कि जो उपनिषद है वो वेदों का मस्तक है। वेदों को नारद जी बोल रहे हैं कि अगर आपने शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है तो वेदों को त्याग दो। वेदों का आप, वेदों पे जो आपकी डिपेंडेंस है, जो आपकी निर्भरता है, उसको छोड़ दो। तो कैसे इस चीज़ को समझे? वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्या वेदांत कृत वेदवित एवचाम। भगवान कह रहे हैं वेदों का लक्ष्य मुझे ही जानना है। तो एक्सप्लेन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि जो वेदों का लक्ष्य भगवान को जानना तो है, लेकिन वेदों को समझना बहुत मुश्किल है। वेदों की लैंग्वेज बहुत टेढ़ी है और उसका आपको छंद निरुक्ति ज्योतिष इत्यादि हर जो ग्रामर है, उस व्याकरण जो है, उस सबको आपको जानकारी होगी तो आप उसमें प्रवेश पा सकते हो। फिर आपको एक गुरु जो कि पूरी तरह से दक्ष है इनके अंदर, उसके अनुगत रह के आपको कई सालों तक स्टडी करनी पड़ेगी। 12 साल तो संस्कृत सीखने में निकल जाएंगे। तो इसीलिए नारद जी प्रैक्टिकली बोल रहे हैं कि वेदों को त्याग के आप जो वैष्णव ग्रंथ हैं, जो जैसे भगवद गीता भागवतम इत्यादि, इनको अगर हम पढ़ेंगे, इनका अनुशीलन करेंगे तो बहुत है। और भागवतम में बताया गया है कि अपने आप में पर्याप्त है, किम वा पर है, किसी और ग्रंथ की, किसी और पुस्तक की क्या आवश्यकता है। इसी भागवतम के अंदर ही संपूर्ण ज्ञान है। तो फिर हम इस पे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? हम इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं कि यद्यपि वेदों का हिस्सा है, यद्यपि इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे आचार्य ने इस पे टीका करके, स्पेशली श्रील प्रभुपाद ने जो टीका की है, तो श्रील प्रभुपाद ने इसको समझना आसान बना दिया। अब हम इसको आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं, और इसको भक्ति की दृष्टि से इसको कैसे देखना वो भी हम पता लगा सकते हैं। तो जब हम भक्ति की दृष्टि से देख पाएंगे तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पढ़ने से हमारे मन में कोई कन्फ्यूजन भी नहीं आएगी, आसानी से समझ भी जाएंगे और इसका अध्ययन करने से
हमारे भगवान की सेवा में रुचि बढ़ जाएगी। तो यही यहाँ पर इस इन्वोकेशन में, इस पहले मंत्र में जो है श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो, और इसको कनेक्ट हम इसको करके देखते हैं भगवद गीता 5:29 से, जिसको पीस फार्मूला भी कहा जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानाम ज्ञातवा माम शांतिम रिच्छति, के भगवान जो है वो सभी तपस्याओं के, सभी प्रयासों के भोक्ता भगवान हैं। जो भी आप काम कर रहे हो उसका पहले समझ के चलना चाहिए कि भगवान को अर्पित करना है हमने, तो आपको यज्ञार्थ यज्ञ अर्थात कर्मणों अन्यत्रा लोकोयम बंधना, लोकोयम कर्म बंधना। अगर हम यज्ञ अर्थात विष्णु के लिए कार्य करेंगे तो बच के रहेंगे, अगर हम अन्यत्र, अगर हम किसी और के लिए कार्य करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अयम कर्म बंधना एक बंधन का कारण बन जाएगा। आप बंधन का कारण बन जाएगा मतलब हमें उसको भोगने के लिए वापस इस संसार में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अजीब सी प्रपोजल है कि हमने भलाई भी की फिर वापस जेल में आ गए, तो मतलब फिर वो भलाई करने का पॉइंट क्या है। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता 5:29 में कह रहे हैं कि जो भी करना है मेरे लिए करो, आप जो भी करना है मेरे लिए करोगे तो आपको, एक तो आपका माइंड पीसफुल हो जाएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं ही सबका सर्वश्रेष्ठ मित्र हूँ, मैं जो भी करता हूँ सबकी भलाई के लिए करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मनमर्जी से कुछ भी कर रहा हूँ। तो जब ये आइडिया माइंड में आ जाएगा तो ज्ञातवा माम शांति में रिचति, तो आप पूरी तरह से पीसफुल हो जाओगे। यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि आवास्यम स्थित है, कंट्रोल्ड है हर वस्तु, हर जीव, हम भी भगवान द्वारा नियंत्रित है, हम स्वतंत्र नहीं है। ये कैसे पता लगाएंगे, प्रभुपाद बोल रहे हैं ये एक ही चीज़ से पता लगाया जा सकता है सिंपली, जो कि आप रोज देख रहे हो, स्पेशली ये कोरोना रिडन एनवायरनमेंट में कि लोग मरे जा रहे हैं, क्योंकि हम भी मर जाएंगे, हम मरना नहीं चाहते फिर भी मर जाएंगे, इसी से पता चलता है कि हम नियंत्रित हैं। कोई हायर फोर्स जो है हमें कंट्रोल कर रही है, वो हायर फोर्स क्या है, वो हायर फोर्स इमीडिएटली अगर देखें तो भौतिक प्रकृति है, और उसके पीछे एफिशिएंट कॉज देखें अगर जो अल्टीमेट कारण है, मूल कारण है, वो भगवान है। भगवान की अध्यक्षता में ही भौतिक प्रकृति कार्य करती है, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, इसलिए एंड ऑफ द डे भगवान हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जय विजय के प्रसंग में भगवान इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं एक्चुअली में, जब चार कुमारों को ऑफेंड कर दिया था जय विजय ने, तो भगवान वहाँ पे प्रकट होकर भगवान ने बोला कि सेवकों के कार्य के लिए स्वामी जिम्मेदार होता ही है, तो माया जो भी कार्य कर रही है भगवान के अध्यक्षता में कर रही है, तो भगवान जिम्मेदार हैं, तो इसीलिए मूल कारण भगवान है। तो जब मूल कारण भगवान है तो जो हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भगवान ने जो हमारे कोटे के लिए भगवान ने नियत किया है उसको हम स्वीकार कर ले। तो इसका क्या मतलब है, अब दो एक्सट्रीम्स हैं, एक एक्सट्रीम है कि हमने काम ही करना बंद कर दिया, दूसरी एक्सट्रीम है कि हम गधे की तरह काम ही किए जा रहे हैं। तो जहाँ तक काम ना करने की बात है, भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि देखो दो व्यक्ति हैं, सन्यासी और कर्मयोगी, तो कर्मयोगी और सन्यासी में कौन सा श्रेष्ठ है, अर्जुन ने बिल्कुल पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछा था 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, और भगवान ने बोला भाई आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए, प्रगति के लिए दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों में से अगर आप पूछोगे कौन सा अच्छा है, एक जो सन्यासी है कार्य नहीं कर रहा और एक कर्मयोगी है काम करके भगवान को मुझे अर्पित कर रहा है, तो बोल रहे हैं इन दोनों में से श्रेष्ठ जो है वो कर्मयोगी है कि वो कार्य कर रहा है और अर्पित कर रहा है भगवान को अपना फल।
भगवान इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन आप कार्य ना करने के प्रति आसक्त मत हो जाओ, आप कार्य करो, और कैसे कार्य करो, माम अनुस्मरण युति चा, मुझे आप मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करके आप बेसिकली जो भी आपका वर्णाश्रम के अंतर्गत जो भी आपका कर्तव्य है उसका निर्वाह करो केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए। और वही सेम चीज़ है कि जो दूसरा एक्सट्रीम है कि गधे की तरह काम ही किए जा रहे हैं, तो उनको एक बार ऐसे रुक के ये सोचना चाहिए कि भाई कई लोग ऐसे भी हैं जो कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे, अंधाधुन उनको प्रॉफिट भी होता है, सैलरी भी उनकी लाखों करोड़ों में होती है, और कुछ लोग पीले रहते हैं सुबह से शाम तक, वही बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता है। तो इसको कैसे, इसको रिकनसाइल करेंगे, इसको रिकनसाइल करने का एक ही तरीका है कि भाई सब अपने कर्मों के अनुसार, जो पिछले नियत जो उनके कर्म थे उसके अनुसार जो नियत उनके भाग्य में वो उनको मिल ही रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप अनरीजनेबल एफर्ट मत लगाओ, एक रीजनेबल एफर्ट लगाओ, और रीजनेबल एफर्ट लगा के जो आपको मिल रहा है उससे संतुष्ट रहो, और जो भी टाइम आपको सेव हो रहा है वो टाइम आप आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, अगर संबंध है तो उसको कैसे रिवाइव करेंगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने में पूरा टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। बेसिकली ये यहाँ का मंतव्य है। और शिल प्रपात कह रहे हैं कि देखो कई लोग ये बोल सकते हैं कि वो हम तो इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, हमें हमारे लिए तो ये सोचना बड़ा मुश्किल सी बात है कि भगवान ही सारी चीज़ों के स्वामी हो गए, हम कुछ है ही नहीं। तो शिल प्रपात फर्स्ट लाइन इस रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि भैया बात ऐसी है कि जो वेदों का वचन है वो अकाट्य है। वो क्यों अकाट्य है? क्योंकि अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब दिव्य भगवान की वाणी है, भगवान से आया है, भगवान इनफॉलिबल है, भगवान अच्युत है, और भगवान के वचन इनफॉलिबल अकाट्य हैं। तो ये बेसिक रीज़न है, और इसको हमें एक्सेप्ट करने से हम लोग पीसफुल हो जाएंगे, और अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम सोचेंगे हम अपनी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो इंद्रियां तो हमारी अपूर्ण है, हमारी इंद्रियां पूर्ण है, हम भ्रमित हो जाते हैं। तीसरा दोष है कि हम गलती कर बैठते हैं भ्रम के अंदर, और चौथा है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हम लोग दूसरों को धोखा देने से भी चूकते नहीं हैं। तो ये चार कमियों के चलते हम जो भी ज्ञान अपने इंद्रियों से एनी हाउ प्राप्त करेंगे, अगर हम शब्द प्रमाण को, शास्त्रों को अगर नहीं मानते, तो अपूर्ण ज्ञान होगा। अपूर्ण ज्ञान के ऊपर क्यों हम अपना पूरा जीवन बेस करना चाहते हैं? तो हमें शिल प्रपात का जो ये फर्स्ट लाइन है प्रपोर्ट की, कि जो भगवान के वचन है, वेदों का वाक्य है, ये बेसिकली अकाट्य है। और प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि एक बार दो लोगों में लड़ाई हो गई आपस में, कहा मतलब आर्गुमेंट हो गया, लड़ाई इन दिस सेंस आर्गुमेंट हो गया। तो एक व्यक्ति ने दूसरे को बोला तुम्हें ऐसे काम करना पड़ेगा, तो उसने बोला क्यों भाई, ये वेद वाक्य है क्या, ऐसा करना पड़ेगा? इसका मतलब वेदों का जो वाक्य है उसको निभाना, उसके उसके ऊपर अमल करना, एक्शन करना हम सब का कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में संपत्ति को लेके लड़ना शुरू कर दो। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि एक तरफ पूंजीवादी है एक्सट्रीम में, एक तरफ साम्यवादी है। पूंजीवादी कहते हैं कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, समाजवादी जो साम्यवादी हैं, समाजवादी हैं, वो बोलते हैं कि नहीं सारी प्रॉपर्टी स्टेट की है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो सबसे ऊपर के ओहदे पर बैठकर सारी प्रॉपर्टी को खुद ही हड़पना चाहते हैं, समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत भी। तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब पूंजीवादी देशों का सिरमौर कौन है, लीडर कौन है? अमेरिका। जो कम्युनिस्ट हैं, जो समाजवादी हैं, उनका लीडर कौन है? चाइना। तो कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ रहे हैं। तो अगर कुत्ते बिल्ली आपस में लड़ रहे हैं तो वेल उसमें कौन सी बड़ी बात है, लड़ने दो उनको। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुत्ते के हाथ में भी न्यूक्लियर बॉम्ब है,
और बिल्ली के हाथ में भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, और दोनों में से किसी ने फोड़ दिया या दोनों ने फोड़ दिया, तो पूरे संसार को उसके इम्प्लिकेशंस, उसके जो नतीजे हैं, उसका जो फल है, पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि आप कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना कैसे बंद कर पाओगे। आप कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना बंद तब कर पाओगे जब आप केंद्र बिंदु में भगवान को स्थापित करोगे कि सारी प्रॉपर्टी इनकी है, सारी संपत्ति के स्वामी भगवान है, तो भगवान की सेवा में ही सारे जितनी भी सुविधाएं हैं उसको नियोजित कर दो। और शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो दो तरह के पशु हैं, एक तो पशु हैं ही पैदा ही कुत्ते बिल्ली के रूप में हो, और दूसरे वो हैं जो कि कुत्ते बिल्लियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जैसे मांस खाना और शराब पीना, व्यभिचार करना कि कोई भी स्त्री मिल जाएगी उसके साथ में व्यभिचार करना शुरू कर दो। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो कुत्ते बिल्लियों के शरीर में जो पशु जीवन में है, वो तो कुछ भी कार्य करेंगे, प्रकृति के नियमों के स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। वो जो शेर है वो बकरी का भोजन नहीं खाएगा, वो बकरी उसकी भोजन है उसी को खाएगा, वो कभी घास फूस नहीं खाएगा, उसके जो उसके निमित्त भोजन है उसी के ऊपर फोकस करता है। वो गायें कभी मांस नहीं खाएगी, हमेशा घास फूस खाएगी और दूध देगी, और कभी अपना दूध नहीं पीती गायें। सबके अपने अपने फोकस हैं, और क्योंकि सब लोग स्ट्रिक्टली भौतिक प्रकृति के नियमों को फॉलो करते हैं, इसलिए कभी भी उनको पनिशमेंट नहीं मिलती। जैसे शेर है, शेर को शिकार करने की कोई पनिशमेंट नहीं है, वो प्रकृति के नियमों के अधीन होकर कर रहा है। लेकिन जो कुत्ते बिल्लियों की तरह जो रह रहे हैं लोग, वो लोग क्योंकि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, मांसाहार इत्यादि करके, तो उनको प्रकृति के जो नियम कानून है उल्लंघन करने की सजा उनको फेस करनी पड़ेगी, वो सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। वेजिटेरियन बन जाते हैं, शाकाहारी बन जाते हैं, बात खत्म हो गई। तो प्रभुपाद कह रहे हैं शाकाहारी बनना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, ऐसा नहीं है कि चलो शाकाहारी बन जाते हैं ओ अब ठीक है। नहीं, जो ये वनस्पति भी है, जो फल है, सब्जियां हैं, अनाज है, ये कहाँ से आया है? ये अनाज फल फूल इत्यादि सब भगवान से आए हैं, भगवान की संपत्ति है। तो जब तक हम इसको भगवान को अर्पित करके फिर ग्रहण नहीं करेंगे तो भी हम पाप के भागे बन जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद रिकमेंड कर रहे हैं कि देखो, अगर आपने एक्चुअली में अगर आप पूछो क्या कर रहे हैं, तो आपको जो भी आप खा रहे हो भगवान को भोग लगा के खाओ, तो आप एकदम से परफेक्ट रहोगे, संतुष्ट रहोगे, आपको कोई भी जो भौतिक प्रकृति की किसी भी आपको सजा, उनका नियमों का उल्लंघन करने की आपको सजा आपको भुगतनी नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल इसके लास्ट पुरपोट में शिला प्रपात बोल रहे हैं कि देखो, जो ये जो पाप है भौतिक प्रकृति में संसार में रह के जो लोग पाप करते हैं, तो पाप का मूल क्या है, पाप की जड़ क्या है? पाप की जड़ है भौतिक प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना। और भौतिक प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम इसे भगवान की संपत्ति नहीं मान रहे हैं, हम इसको अपनी संपत्ति मान रहे हैं। तो इसका उपचार क्या है, उपाय क्या है? उपाय ये है कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा इस श्लोक के द्वारा, कस्य स्वित धनम, किसी और का धन है, हमारी संपत्ति नहीं है शरीर समेत। तो हमें जो संपत्ति है, अपना शरीर है, धन, पति पत्नी, बीवी बच्चे, घर गाड़ी बंगला, हर चीज़ हमें भगवान की सेवा में नियोजित करनी पड़ेगी। जब हम भगवान की सेवा में नियोजित कर देंगे, भगवान की संपत्ति मान लेंगे, तो सबसे फर्स्ट इफेक्ट इसका क्या आएगा? जो सबसे फर्स्ट इफेक्ट आएगा इसका कि हम लोग राग द्वेष से छूट जाएंगे। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे लिए फायदेमंद है, ये मेरे लिए नुकसानदेह है। इस
चक्रव्यूह से हम बाहर निकलेंगे, और इस चक्रव्यूह से जब बाहर निकलेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा हम पर, कि हम पीसफुल हो जाएंगे, हमारा माइंड पीसफुल हो जाएगा। और जब प्रभुपाद बोल रहे हैं आपका माइंड पीसफुल हो गया, अब आप इस माइंड को लो और इसको भगवान की सेवा में नियोजित कर दो, भगवान के चरणों में निवेशित कर दो। बस भगवान के चरणों में निवेशित कर दोगे ओ तो भगवान क्या करेंगे, भगवान प्रतिकार करेंगे। और हम अगर भगवान के सेवा में नियोजित होंगे, भगवान इसको स्वीकार करके भगवान अपने धाम में ले जाएंगे। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यही मनुष्य जीवन का बेसिकली लक्ष्य है, भगवान के धाम जाना है। तो उसकी जो फर्स्ट स्टेज है ये समझना है कि हर वस्तु, हर व्यक्ति हमारे समेत वो भगवान की संपत्ति है। ये समझ लेंगे, समझ लो, बेड़ा पार हो गया। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।